ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झाड़ू की उपाय। झाड़ू का ये उपाय बताने वाले हैं, झाड़ू लगाने से पहले कर लें ये काम। आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगनी हो जाएगी, दिन रोज़ तरक्की होगी, आपके कारोबार बढ़ेंगे, धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। इतना अचूक उपाय है ये। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो आपके घर में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। आपको ये छोटे छोटे से उपाय करने चाहिए, लेकिन पूरी विश्वास के साथ करने चाहिए। जो भी उपाय करो, किसी भी प्रकार का भी उपाय करना है आपको, पूरे विश्वास के साथ उपाय करें, तभी आपको फल भी मिलेगा। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं या उसकी इज्जत नहीं करते हैं, तो हमें कभी कभी हमारे घर में उल्टे दिन भी आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको देखो, झाड़ू के कुछ नियम है वो भी आपको फॉलो करने चाहिए। साथ ही झाड़ू लगाने से पहले आपको ये नियम अपना लेना है और इसको करके देखें, आप फिर देखें अपने घर में कितने बड़े आपके कार्य बनते हैं। सबसे पहले, जब भी आप झाड़ू लगाएं तो आप हमेशा रसोई से झाड़ू लगाना शुरू करें। सुबह बहुत लोग होते हैं अपने बेडरूम से सबसे पहले झाड़ू लगा कर लाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले रसोई में जाना है और उस रसोई से झाड़ू लगाना शुरू करना है। उसके बाद ही आपको हर जगह से झाड़ू लगाना है। दूसरा, जब आप झाड़ू लगाने जाएं तो सबसे पहले झाड़ू लगाने से पहले आपको अपने दरवाजे पर थोड़ा सा पानी के छींटे मार देने हैं और साथ में पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है और आपको छींटे लगा देने हैं। इसको आपको करना है, उसके बाद आपको झाड़ू लगानी है रसोई से, ये आपको करना है। तीसरा, आप कभी भी झाड़ू लगाएं तो देखो रात के समय, देखो नई झाड़ू जब भी आप लेकर के आते हैं, कई बार क्या होता है पुरानी झाड़ू हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं। जब आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत ना फेंकें, उसको संडे को या फिर मंडे को फेंकना है, तुरंत नहीं फेंकना चाहिए और झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए। आप जब झाड़ू लेकर आते हैं, नई झाड़ू को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास रहे, धन की प्राप्ति हो। हर कोई चाहता है हमारे घर में धन हो, तरक्की हो, तो आपको ला करके उसमें थोड़ा सा कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद आपको एक सिक्का और एक सुपारी, ये दोनों चीज़ें आपको ले लेनी है और रात के समय ला करके झाड़ू रात के समय अपने मंदिर के पास रख देना है और झाड़ू के नीचे इन चीज़ों को दबा देना है। सुबह जब आप उठेंगे तो झाड़ू को स्पर्श करना है, जैसे माथे से लगाना है, और उसके बाद ही झाड़ू को शुरू करना है, झाड़ना आपके अपने घर में झाड़ू लगाना है। और जो आपने सिक्का और सुपारी रखा है इसको अपनी तिजोरी में रख दें, फिर देखें आपके घर में कितनी बड़ी तरक्की होती है, कैसे कारोबार चलते हैं, काम बनते हैं आपके। इनको ज़रूर ध्यान में रखना है। और झाड़ू कभी भी लाना है तो आपको शुक्रवार शनिवार इतवार को लाना है, कभी भी मंगल बुध को झाड़ू ना लेके आए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है और झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना है। ये करके देखें, फिर देखें चमत्कार कितना बड़ा होता है।